कुछ दिन निकल लेता हूँ, ये धूल बैठ गई फिर आ जाऊंगा। वो कह रहा था कि मुंह उठा के तो उधर से हो गई, तो मैं और क्या करती। वो लाड साहब का बच्चा भी तो देखें, कमरे में आया खुश होने के बजाय उसको इतना ज्यादा गम लाहक हो गया। हम ना मंजली को ना फोन करके बोलती है कि कट्टो अभी तक कुमार सिंह के चक्कर में लगी हुई है। देख अगर ना मैंने मंजले से इसकी कुट लगवाई ना, मेरा नाम भी तारा नहीं। तू जानता है वो शद्दी कोऑर्डिनेटर को? शद्दी? नहीं नहीं जानता ना, घर में रहोगे तो तुमको नजर आएंगे ना अल्लाह की कुदरत के नजारे। यू इस लौंडिया ने मारे रोब से डर के बोला है या वाकई उस लौंडे को दिल से निकाल फेंका? अगर जो रोब में आके बोला है तो झूठ बोला है, अगर झूठ ना बोला होता तो अरमान भरी रात मुंह लपेट कर सो क्यों गई? जो भी हो, आज रात जरा प्यार से पूछूंगा, तने माइयों सईद को दिल से निकाल दिया या ना? रात आने में तो अभी काफी टाइम है, बस जल्दी से रात आए और कमरे का दरवाजा खोल के पूछू उससे। हाँ चलो रात को ही पूछूंगा। उठ तो गई थी, फिर बाहर से नाश्ता क्यों कर कर आ गए? अच्छा ही हुआ ना चला गया। क्यों, क्या हुआ? ये बताइए शदी कोऑर्डिनेटर कौन है? तुम क्यों पूछ रहे हो? ये बता के ये स्पेयर व्हील है कौन? अल्लाह क्या हो गया तुमको, कभी स्पेयर व्हील के बारे में पूछो, कभी शदी कोऑर्डिनेटर के बारे में। ओए एक ही बात है, स्पेयर व्हील साइड पे इसीलिए रखते हैं अगर एक पहिया काम ना करे तो दूसरा लगा लिया जाए। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात का? ओ मतलब छोड़, ओ ये बता ये बंदा कौन है? अरे वो शदी कोऑर्डिनेटर है ना, जो मुझे ड्रामों में छोटे मोटे रोल दिलाता रहता है। अब तुम ये नहीं बोलना कि तुम मेरी अदाकारी के बारे में भी नहीं जानते। ये तुझे रोल दिलाने घर पे भी आ जाता है? अरे वो बेचारा एक दो दफा आया है, वो ना तुमको तो पता है इस इलाके में कितनी लाइट जाती है, तो मेरा फोन बंद था, और अच्छा रोल जो है ना वो चांस में मिलता है वरना किसी और के हाथ चला जाता है। क्या हुआ, हुआ क्या है आखिर? कुछ भी नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो इतना, आखिर हुआ क्या है? नहीं कुछ भी नहीं, आता हूँ जरा। ऐसा क्या हो गया, कोई तो बात जरूर है। पप्पू मेरी बहन रानी, आगे आगे बैठ जाओ। ओहो अब्बा फोन नहीं उठा रहे, पापा का नंबर ही नहीं मिल रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, आज तेरे अब्बा के गाने बैटरी ना होगी। ऐसा नहीं होता पप्पू, अब्बा रात को ही फोन चार्ज पे लगा लेते हैं, और कल तो लाइट भी थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब्बा का फोन लो हो। हाँ बात तो मैंने भी उनसे कर दी है, कल रात से मैंने उनसे पूछना है कि वलीमे में कितने जने आएंगे, हम भी तो उस हिसाब से इंतजाम करें ना। वो तो होती रहेगी, पहले उनसे बात तो हो। आई तू बता मेरी चंदा, मैं क्या करूं? तुम मंजले को फोन लगाओ ना, उसको बोलो पता करे जाकर। आई मेरे कहने तो फोन ही नहीं है। तो ये रहा ना फोन, ये रहा, आप करे ना इससे बात। तो होट कर ना। मैं? हाँ अब तो तेरा शोहर हो वो। मैं नहीं कर रही। चल बेटा यही सही, पर जो होना था ना वो तो हो गया। मगर मैं कभी नहीं भूलूंगी पप्पो, ये सब कुछ आपकी जबरदस्ती की वजह से हुआ है। अब बस इसे अल्लाह की मसलहत समझ के कबूल कर ले और खुशी खुशी रह। हाँ तो भाई वो खुद वो पुल है बैठा है ना, मैं क्या उसके हाथ पांव जोड़ूं कि खुदा के वास्ते मेरा घूंघट उठा लो, ऐ मैं यहाँ से खुशी हो जाऊं। मैं मुंह ना फुलाया हुआ उसने, मिजाज का जरा तेज है, दिल का बुरा नहीं है मेरा मंजिला।
पप्पू मैं आपसे ना अब्बा को फोन करवाने के लिए आई थी, आप यहाँ पर अपने भतीजे की वकालत करने बैठ गई हैं। अच्छा अच्छा ला दे करूँ हूँ फोन करूँ हूँ, पर देख जो कल हुआ ना वो आज रात ना हो। हाँ अच्छा ठीक है आप फोन तो करें। हाँ हाँ मिला दिया ना नंबर। हाँ हाँ हेलो। एक तो ये महमूदाबाद से उठ के आ जाती हैं ड्रामो में काम करने, चार प्ले क्या कर ली है, चेक घर पहुंचाए मेरे घर में कोई इनको इज्जत से पानी भी नहीं देता। किसका फोन आ गया? ओहो हुए वो हमसे हम कलाम, अल्लाह अल्लाह कहां मैं कहां ये मुकाम, अल्लाह अल्लाह। ये फालतू की ना शायरी वायरी छोड़ो और काम की बात सुनो। हुक्म। देखो तुम्हारा जो है ना वो मेरे घर आना जाना नोट किया जा रहा है, तो बस तुम अब नहीं आना। क्यों क्या हुआ? आज ना किसी ने गुल्लू को ना तुम्हारे बारे में बताया है, पूछ रहा था कि शब्दी कोऑर्डिनेटर कौन है। तो तूने क्या बताया? जो भी बताया फिलहाल तुम यहाँ मेरे घर नहीं आना। और हाँ देखो गुल्लू आया है तो ना फोन भी मत करना। अब तू खुद सोच ले, तेरी तरफ से पाबंदियों का ये हाल है, ऊपर से तू मुझसे ये कह रही है कि तेरे मोहल्ले की लड़कियों से मैं बात भी ना बढ़ाऊं। अब किससे बढ़ाओगे, कट्टो की तो शादी हो गई। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। उसकी शादी कहाँ हुई है तुझे पता है? मेरी बेटी के ससुराल में, देवरानी बन गई है वो तारा की। अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ, जो कहा है ना उस बात का ध्यान रखना। अच्छा सुन मैं तो खुद तुझे फोन करने वाला था, अच्छा हुआ तूने मुझे फोन कर लिया। क्यों तुम क्यों फोन करने वाले थे? देख एक बहुत अच्छा रोल निकाला है तेरे लिए, वो डायरेक्टर मिलना चाह रहा है तेरे से, अगर मुझे अपने घर नहीं बुलाती तो खुद मिलने के लिए आ जा। फिलहाल नहीं शर्दी, गुल्लू का दिमाग जो है ना वो बहुत ज्यादा सिरका हुआ है, और वैसे भी कोई भी रोल मैं उससे पूछे बगैर नहीं कर सकती। ओहो तू उससे पूछ के कर ले, ईमान से बहुत अच्छा रोल है, मिस नहीं कर इसको। अगर उससे मैंने इजाजत मांगी और उसने सिरे से ही एक्टिंग करने को मना कर दिया तो फिर सोच ले। नहीं लो पर ये तेरी किस्मत है। रोल का क्या शब्दी, रोल के चक्कर में घर तो नहीं बिगाड़ सकती ना, रोल तो कहीं मिल जाएंगे। तुम हो तो रोल की क्या फिकर, बात सुनो अभी जो है ना वो हालात सही नहीं है, उसका मूड बहुत खराब है, तुम अभी ना आओ ना फोन पे बात कर। चल तेरी मर्जी, ओके खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज, मैं खुद फोन करूंगी तुम नहीं करना ठीक है। हाँ खुदा करे ये मामला तो हो गया, अब बस इसका फोन ना आए। अरे आ रही हूँ, कौन आ गया इतना बेसब्रा? अरे मंजला बेटा अकेला आया, आजा अंदर आ। ताई अंदर ना आऊंगा, मारे को ये बता कि मारे ससुराल वालों के घर का ताला लगा हुआ है, वो कट्टो भी अपने अब्बा को बार बार फोन कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रहा था, मैंने सोचा जाके बात करवा देता हूँ। सवेरे सवेरे कहीं चले गए? किधर चले गए मारे को बता दो, मैं उधर जाके बात करवा दूंगा। बात क्या करवानी, बड़े खुददार आदमी है बेटा, तुम तो जानते हो जब रेत का तूफान थम भी जाए ना तो धूल बहुत दूर तक जाती है। ये क्या फुल्मी बातें कर रही हो, मारे को समझ में ना आवे, तुम्हारे को सीधा सीधा बता किधर गए। सीधी बात तो ये है कि कट्टो की बदनामी की वजह से मुंह छुपा गई अपना कहीं। क्या मुंह छुपा कर क्यों चले गए? नारकड़ी की माँ तो यही बोल रही थी, कह रही थी कट्टो की अच्छी खासी बदनामी हुई है इलाके में, बाप जिधर से भी गुजरता था लोग हंसते थे। अच्छा और जब उनकी बेटी ने भाग कर शादी की तब लोग नहीं हंस रहे थे उनके ऊपर? तूने भागने से भी ज्यादा बुरा काम किया है, जब घसाई कराई है अपने बाप, यही बोल रही थी ताई, जिधर से भी गुजरे था लोग तफरी कर रहे थे। तफरी तो लोग अब मेरी करेंगे, हुमायूं हुमायूं की रट लगाई बैठी थी मैं, और शादी किससे हुई मेरी, एक जाहिल गवार से, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मारे को चूहा बोला? मेरी बाल छोड़ो तुम, छोड़ो मेरे बाल, समझ में नहीं आ, छोड़ो मेरे बाल। मरे कृपाण पे हाथ डाला। हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है? शुक्र कर सिर्फ थप्पड़ मारा है,
चुतिया पकड़ के दीवार में नहीं ठोस दिया तो शर्म नहीं आती? तुमने एक दिन की दुल्हन पर हाथ उठाया है। अरे मारे गिरेबान से किसी और ने हाथ डाला होता तो साले को जिपा कर देता। गिरेबान किसने पकड़ा? तुमने पहले मेरे बाल पकड़े, इसीलिए मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ा। समझ में आई तुम्हें? क्या हो गया, क्या हो गया, हमें भी तो कुछ बताओ। कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? आपके यहाँ नई नवीली दुल्हन के ऐसे खातिर तवाजो होती है? जाओ रे जाओ, यहाँ कोई बंदरिया का तमाशा नहीं हो रहा। अपने अपने कमरों में जाओ। मंजले भाई, आपने एक दिन की दुल्हन को स्लैप किया? मेरा मतलब उसे मारा? और वो भी इतनी लाडो की पली। और लाडो की पली के क्या करतूत है ये ना बतावे। क्यों, इसने ऐसा क्या कर दिया जो तूने उसको थप्पड़ मारा? मैंने सिर्फ इतना कहा भाभी। बस कर जा, मैं उनको कमरे में जाने के लिए बोल रहा हूँ, तू फिर से बंदरिया का तमाशा लगाने लग गई। बंदरिया ना इतनी खूबसूरत नहीं होती है समझे, लेकिन जब तुम अपने हाथ में डुगडुगी ले लेते हो ना तो पूरे के पूरे बंदरी का नाच दिखाने वाले लगते हो। वो जड़ोसनी के मुंह आई गुस्साना दिला मन वरना। ये छड़ोसनी कैसे कहते हैं भाभी? छड़ोसनी मतलब कट्टो सर झाड़ मुंह फाड़ वाली औरत को बोलते हैं। इससे कह रहे थे अब्बा अच्छा लड़का है, ये अच्छाई है इसकी। फिर तो बता नहीं अब्बा भी कहाँ चले गए मेरा नसीब फोड़कर। मुंह छुपा कर चले गए, जैसी करनी वैसी भरनी। तू तो चुपी रहे भगोड़ी। ए क्या कहा? सही कहा जो कहा। चल चल चलते, चल 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 चल। तेरे माँ बाप हंस रहे होंगे, रो रहे होंगे, जो कर रहे होंगे। मेरा बाप पता नहीं कहाँ चला गया। जिन चाहल गवारों के बीच में छोड़ के शादी के पहले पहले रोज ही थप्पड़ मार दिया। याद रखेगी कट्टो, एक एक का बदला लेगी। हाँ भाई नीली, आ गए तुम? आया नहीं, जा रहा हूँ। खाना बांधे फटाफट। क्या खाना बांधे? कहीं बाहर जाके खाओगे? ओ नहीं, मालिक का फोन आया है, ट्रिप लेके जा रहा हूँ। एक तो तुमने कहा था कि तुम दो चार दिन रुकोगे, मैंने तो घूमने फिरने के प्लान भी कर लिए थे, अब जा रहे हो? वो अब मालिक का फोन आ गया, जाना तो पड़ेगा। नौकर की थे नखरा की तो तुम्हारा मालिक। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी रोटी बांध देती हूँ। अच्छा हुआ नहीं ठीका। अब देखो पता नहीं कुदरत कौन कौन से नजारे दिखाएगी। ये फुप्पो आज दिन में कैसे सो गई, और तू कब तक उनके जागने के इंतजार में भूखी बैठी रहेगी? आजा ना मेरी बहन, खाना खा लेना। मुझे नहीं भूख भूख लगी, अपना खाना लेकर जाए यहाँ से। बुरी बात कटो, देख मैंने उसे भी तुझ पर रिमार्क्स कसने पर डांटा ना, मैं तुझे भी समझा रही हूँ। देख हम तीनों अगर प्यार से मिलजुल कर रहेंगी ना तो ही अच्छा है, वरना आए दिन की चिकचिक लगी रहेगी घर में। हाँ तो पहल उसने की थी, मैंने नहीं की। तो मैंने उसे समझाया ना, मैं तुझे भी समझा रही हूँ। और तेरी मंजले से किस बात पर हुई थी लड़ाई सुबह? नसीब फूट गया मेरा और कुछ नहीं। पता नहीं अब्बा को क्या अच्छाई दिखाई थी इस गंवार जाहिल में। हाँ वैसे एक बात है, मंजले का मिजाज है तो बड़ा तेज। एक क्या ही अच्छा होता अगर तेरी शादी हुमायूं सईद से हो जाती। क्या जोड़ी होती तेरी और हुमायूं सईद की। कितना काम है ना अब्बा से, तो 5 दिन इंतजार कर लें सर। आएंगे तो निकाह कर लेंगे वो मुझसे, लेकिन माने ही नहीं अब्बा। मतलब तुम दोनों का वाकई में निकाह होने वाला था? हाँ और नहीं तो क्या, खुद ही उन्होंने मुझसे कहा मैसेज पर। ओफो, मैं समझी हुमायूं ने खुद तुझे कहा निकाह करने को। तो भाई उन्होंने खुद ही मुझसे कहा कि वो मुझसे निकाह करेंगे। देख कट्टो अभी कॉमेडी बंद कर दे, इसमें कॉमेडी करने की क्या बात है? ये कॉमेडी नहीं, असल में तेरी बेवकूफी है। क्या पता ये हुमायूं सईद हो भी या नहीं, या उसके नाम पर कोई तुझसे तफरी ले रहा हो। ना ये कोई कॉमेडी है और ना कोई मुझसे तफरी कर रहा है और ना मैं कोई बेवकूफ हूँ। सही है, उन्होंने खुद मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया जिसके ऊपर नए सिरे से बात हो रही थी हमारी, और उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो मुझसे निकाह करेंगे। क्यों एक झूठ को दिल से लगाए बैठी है, और इसी झूठ की वजह से तूने मायो बैठे से इनकार कर दिया था।
तारा भाभी, कोई झूठ नहीं है, ये सच है, और इस सच का सबूत ना खुद तुम्हारा बाप है। मेरे अब्बा? जी। मेरे अब्बा यहाँ कहाँ से आ गए? वो ऐसे आए कि मैंने ना उन्हें पैसे दिए थे कि वो जाकर हुमायूं से मेरे लिए बात करे, इसीलिए तो हुमायूं ने खुद अपना पर्सनल नंबर तुम्हारे अब्बा के जरिए मुझ तक भिजवाया था, और तुम्हारे अब्बा की बात मानकर वो मुझसे चैट पर भी बात करने लगे थे। निकाह का मैसेज तो अभी तक सेव है मेरे पास। तू सच बोल रही है? जी। अब्बा को इस मामले में पढ़ने की क्या जरूरत थी? बड़ा झूठा बना रही थी, अपने अब्बा का नाम सुनकर तो चुप बैठ गई है। ना भैया ना, ये ब्याह हमसे नहीं निभेगा। रात मुंह लपेट के दूसरी तरफ पड़ी रही और आज लड़ाई कर ली। ना ये दुल्हन नहीं है, ये चंडालड़ी है, चंडालड़ी। इससे शादी का मतलब है घर में दिन रात दंगल। ना भैया ना, ना निभेगा हमसे ये ब्याह। अरे कैसी बातें कर रहे हो शादी? दोस्ती निभाएंगे ना, क्यों नहीं निभाएंगे? आके जरूर निभाएंगे। वाह नीलो, पर बातें बनाना ना कोई तुझसे सीखे। सुबह मियां घर पे था ना, तो कैसी पराई बन के बात कर रही थी। फोन नहीं करना, घर पे नहीं आना। अब मियां चला गया तो कैसा मीठा मीठा बोल के घर बुला रही है। थोड़ा गलत बोल गए तुम, अब तक घर नहीं बुला रही, तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो तुम डायरेक्टर से मिलवाने का बोल रहे थे ना, वो रोल के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके मिल लेती हूँ। कितनी खुदगर्ज़ औरत है तू, आने देना घर पे। अरे रोल तो सुन ले पहले मुझसे। अरे भाई रोल भी क्या सुनना, जो भी रोल होगा ना मुझे करना है बस। अच्छा रोल सुनना है तूने, तो रोल सुन। रोल है एक बहुत प्यारी अच्छी सी दोस्त का, जो अपने दोस्त को घर बुलाकर अपने हाथ का पका हुआ उसको खाना खिलाती है, वो खाना जो मियां से बच गया था। उसके बाद कहती है, स्वीट हार्ट बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। दे परफॉर्मेंस। बहुत जिद्दी हो तुम शद्दी। लो काफिया भी मिल गया, जिद्दी शद्दी। ठीक है आ जाओ मेरे घर, खिला देती हूँ तुमको अच्छा सा खाना। है आ जाओ घर। लेकिन तुम मुझे डायरेक्टर से मिलवा के ना साथ ही घर आ जाते तो कितना अच्छा होता ना। चलो ऐसा कर लेते हैं, प्लान बी कर लेते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में तुझे फोन करके बताता हूँ कि तूने कहाँ आना है, के बाद में तेरे साथ ओवर टाइम। हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये तो अच्छा हो गया, क्या पहनूं सोचती हूँ। तुम कट्टो के कमरे में क्या कर रही थी? वो पता नहीं कैसे सो गई। एक दिन की दुल्हन है ना बेचारी, कुछ खाया नहीं है तो उसको खाना खिलाने गई थी। अच्छा तो अब तुम उसके चोंचले भी उठाओगी? अनार करी, वो एक दिन की दुल्हन है, दो चार दिन की मेहमान नवाजी कर लेते। फिर जिस तरह तुमने मेरी हाथ लगवाई शादी के पहले हफ्ते करवाई थी ना, वैसे इसकी भी करवा डाल। ओए कट्टो किसी का एहसान नहीं रखती है। तुम्हारी हाथ लगाई हुई होगी ना शादी के पहले हफ्ते में, मेरी हाथ लगाई हो जाएगी शादी के पहले दिन ही। अब देख लो खीर बनाती हूँ कैसी, हटो। क्या जरूरत थी, अब वो फूफो को जाके बोलेगी तो बता दे। फूफो क्या कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा लड़ेगी ना तो हम भी लड़ लेंगे। अच्छा है आज ही पकाने तो इसे खीर, याद है ना खीर में नमक भी तो डालना है। दीवारों के भी कान होते। चल उठ गई आप? हाँ उठ गई। आई बैग मेरे पास। कब से सो रही है, ढाई बजने वाले हैं आपको पता है? आए हाय, वो ना सुबह सुबह ना मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, तो बीपी की जगह ना हाय नींद की गोलियां खा बैठी मैं और सो गई। पप्पो अब्बा चले गए। चले गए? अच्छा फिर क्या घर आ जाएंगे। अच्छा ये बता दोपहर हो रही है, खाया तो तूने? आई थी आपकी बहुए खाने के बहाने जूते खिलाने के लिए, मगर मोगी खा के गई है। शाबाश है, वो इतना उठा के मारना था मुझे वो पे। रिस्की बेइज्जती कैसे करती पप्पो मैं। खैर छोड़े, अब बताएं अब्बा का क्या करें? अब्बा कहीं गए नहीं है, अब्बा चले गए हैं। आए ऐसा क्यों, तू चले गए? गुलनार खाले बता रही थी मंजले को कि वो चले गए सुबह सुबह उठकर, नंबर तक बंद रखा हुआ है अपना। हाँ तो वलीमे का क्या होगा? हाँ तो
अब्बा के बगैर तो वलीमा होने से रहा। आंखों का भी नहीं उठा।